अब पहला है, मैं सिर्फ कॉफी के बारे में बताऊं, पहला है हमारा 2-in-1 कॉफी, इसके अंदर ब्लैक कॉफी, जो कॉफी पाउडर हमने यूज किया है उसका नाम है कॉफी अरेबिका। ओके, कॉफी अरेबिका, अरेबिका लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि अरब में उगता है। पहले हम लोग बोलते थे, इसलिए लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ब्राजीलियन कॉफी ब्राजील में ही उगता है और कहीं नहीं उगता है, ऐसा नहीं है, ये इंडिया में उगता है। ठीक है, कुछ साइंटिफिकल नाम, ब्राजील वियतनाम वगैरह में कॉफी का ज्यादा कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए उस जगह के नाम से उसको बोल दिया जाता है, ब्राजीलियन कॉफी या अरेबिकन कॉफी या कोई भी चीज नाम डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अरब में ही उगता है, इंडिया में भी कई जगह पे कॉफी उगता है, टी बहुत जगह पे इंडिया में उगते हैं जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई किया जाता है। ओके, इसका नाम है कॉफी अरेबिका। पहले हम जो कॉफी पाउडर यूज करते थे और उसमें और इसमें क्या फर्क है, हमने कॉफी पाउडर क्यों चेंज किया, पहले जो यूज करते थे उसको हमने चेंज करके अभी इसमें लेके आए, क्योंकि पहला रीजन, अभी का रिसर्च के हिसाब से अभी का सबसे बेस्ट कॉफी पाउडर है कॉफी अरेबिका, वर्ल्ड का फाइनेस्ट और बेस्ट क्वालिटी कॉफी पाउडर है कॉफी अरेबिका। ओके, सेकंड रीजन है, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, विदाउट कैफीन कॉफी नहीं बन सकता है, कॉफी होता ही नहीं, मतलब उसको कॉफी नहीं बोलेंगे, कैफीन हर जगह 5% तक कॉफी बीन्स में कैफीन ओके है, बॉडी के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, फायदा ही करेगा, कॉफी कैफीन भी हमारे बॉडी को चाहिए, बट 5% से ज्यादा अगर कैफीन है एक कॉफी में तो हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है। हमारे कॉफी में कितना कैफीन है, पहले के कॉफी पाउडर में जो पहले वाला जो वो भी एक रीजन है उस कॉफी पाउडर कटाने का, 4% से ज्यादा, 4-5% कैफीन। बाहर के आप मार्केट में देखेंगे, मार्केट के ज्यादातर कॉफी में आप कैफीन का जो कंटेंट है वो रहता है 20%, 25%, 15%, 30%, ऐसे अलग अलग कंटेंट में कैफीन रहता है, तो ज्यादा नुकसान करता है। कॉफी एनर्जी के लिए लोग जनरली यूज करते हैं, तो फायदा तो मिलता है, साथ में उसका साइड इफेक्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे कॉफी अरेबिका के अंदर जो कैफीन का जो कंटेंट है वो 0.9-1.4% तक कैफीन है। ओके, तो इसके अलावा फैटी एसिड्स भी हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है वो सब इसमें ज्यादा है, और बेस्ट क्वालिटी अभी का बेस्ट क्वालिटी कॉफी पाउडर है, इसलिए कॉफी हम लोग 2-in-1 में डालते हैं, इसके साथ में गैनोटर्मा मिक्स कर देते हैं, तो 400 से ज्यादा पोषक तत्व भी इसमें मिल गया, तो एक पावरफुल कॉफी। अब रही कॉफी के रेट की बात, कई बार हम क्या करते हैं, जब लोगों को बताते हैं, अर्जी जल बताया, सब समझ गया सामने वाला, हाँ ओके सब लेने के लिए रेडी हुआ, उसके बाद बोलते हैं थोड़ा सा महंगा है फिर भी अच्छा है, थोड़ा महंगा है बट थोड़ा अच्छा है। हम खुद ही बोल रहे हैं महंगा, हम खुद ही बोल रहे हैं महंगा है, कुकीज देते हैं कई बार, कुकीज देते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा महंगा है बट अच्छा है, हम खुद ही बोल, सामने वाले को डिसाइड करने दो महंगा है कि सस्ता है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं महंगा है कि सस्ता है। आपको अगर डिसाइड करना है महंगा है कि सस्ता है, कॉफी डिसाइड करना है, आप लोगों ने कौन सा कॉफी पिया है अभी तक, नेस्कैफे जो मिलता है, जो मशीन में मिलता है वो कॉफी पिया है, दुकान में मिलता है वो कॉफी पिया है, स्टारबक्स करके एक दुकान है टाटा का, टाटा कंपनी है उनका कॉफी का दुकान है, ओके स्टारबक्स सर्च कीजिए, मुंबई में बहुत जगह मिलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक बार, हो सके तो आज ही जाइए, मेरे को वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, बट मैं एहसास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपकी कॉफी कितनी बेस्ट क्वालिटी में और कितना सस्ता आपको कंपनी देगी, एहसास दिलाना चाहता हूं, मेरे को हुआ था एहसास सालों पहले। ठीक है, जब मैं डॉक्टर सवेराज के साथ मैं एक बार गया, पुणे में गया था, एक बहुत बड़ा मॉल है वहां पर स्टारबक्स है, तो वहां पर हम लोग गए, कॉफी लिया, दो कॉफी लिया, ब्लैक कॉफी, हमने बोला ब्लैक कॉफी ऑर्डर किया, कितना हुआ, हमने कार्ड निकाल के दिया, मैंने बोला 1200 something रुपए, मैं सवेरा सर गलत तो नहीं बोल रहे, अरे पागल पैसा दे पहले, गलत नहीं है सही है, अच्छा मैं जैसे ऐसे मजाक कर रहा था, मालूम है इतना बड़ा कॉफी, इतना बड़ा मॉल है, उनका क्या सिस्टम था, एक मशीन लगा रखा उन्होंने, उसमें ऊपर से बीन्स डाला हुआ है, आप जैसे ऑर्डर करेंगे 5-10 मिनट लगता है कॉफी प्रिपेयर करके देने में, वो बीन्स पिसता है वहीं पे, ग्लास में गिरता है वहीं से, हॉट वाटर पानी वगैरह सब
फिल्टर्ड आइस पानी होता है। एक कॉफी का दाम, इतना बड़ा कप था, इसमें ब्लैक कॉफी दे रहा है 600 रुपए के ऊपर एक कप। क्या है ऐसा 600 रुपए पूरा पैकेट मिल जाए? मैं जनरल बात कर रहा हूं, यहां पे आपको पूरा पैकेट मिल रहा है। अगर एक सैशे एक कॉफी भी आप बनाते हैं तो 25 कॉफी बन जाएंगे। अगर इसका आप रेस्टोरेंट भी खोलते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, सोचिए आप बात को। और लोग आते हैं वहां, ऐसा नहीं है वहां लोग नहीं आते हैं, आप जाकर देखिए वहां लोग आते हैं, एक एक दो दो घंटे तक बैठते हैं वहां पे। ये तो मैंने कम रेट वाला कॉफी बताया, इससे ऊपर भी है। कई लोगों का अटैक आ जाएगा भी, सुनेंगे रेट में, मैं ज्यादा रेट नहीं देखने गया, मैंने साइड में रखो ठीक है। ज्यादा कॉफी आप फ्लाइट में जाते हैं कॉफी पीते 100 रुपए का एक कप आता है। मैं तो बंद कर दिया, इससे बढ़िया अपना कॉफी है, अच्छा कॉफी भी है, इसमें गैनोटोमा भी डाल के मैं उनको बोलता थोड़ा गर्म पानी लेगा, वो भी देखते हैं क्या है कुछ अलग चीज। लोग पास वाले पैसेंजर भी देखते हैं ये क्या चीज पी रहा है, ये नहीं पीना अपना ब्लैक कॉफी, सिर्फ गर्म पानी चाहिए, कप ले लिया गर्म पानी वो देते हैं फ्री में मिलता है। तो अपने को आराम से एक बढ़िया कॉफी 100 रुपए में 200 रुपए कॉफी अगर कंपेयर करना है तो आप उनसे कंपेयर कीजिए। अब ये लोकल कॉफी से कंपेयर, लोकल कॉफी से भी कंपेयर करते हो तो भी सस्ता पड़ता है, जबकि थर्ड क्वालिटी कॉफी पाउडर है वो, और हमारा फर्स्ट क्वालिटी कॉफी पाउडर के अंदर गैनोडर्मा डाल के दिया है। उन्होंने गैनोडर्मा नहीं डाला है, गैनोडर्मा डालेंगे तो उसका रेट कम मुझे लग रहा है 10,000 के ऊपर जाएगा एक कप। लोग पीने के लिए रेडी हैं, लोगों को क्वालिटी चाहिए, किस क्वालिटी से आप बताते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम खुद बोलेंगे कॉफी थोड़ा महंगा है अच्छा है, तो बोलेगा है खुद ही बोल रहा है महंगा, महंगा को लूंगा महंगा कॉफी नहीं चाहिए मेरे को, सामने वाला ही बोल रहा है। तो इस तरीके से हमें अप्रोच नहीं करना है, महंगा वर्ड ही यूज नहीं करना। कोई भी प्रोडक्ट यहां पे आपको महंगा नहीं, अगर महंगा होता तो आप लोग यूज नहीं कर रहे होते। या कितने लोग करोड़पति लोग बैठे हैं, हो सकता है बैठे होंगे एक या दो आदमी बैठा होगा, आप लोग करोड़पति लोग है लखपति लोग है। मैंने नहीं, गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने कितना बोला है, एक किलो पाउडर का दाम 3 लाख रुपए, एक ग्राम 300 रुपए का है, एक ग्राम 300 रुपए का खेनोटर्मा यूज करने वाले लोग बैठे हैं, शेक लोग यूज कर सकते हैं। बट यहां पे आप लोग इसलिए यूज कर रहे हैं, डॉक्टर लिम ने हमेशा मिडिल क्लास अपर क्लास के बारे में, डेफिनेटली उनके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। पहुंचाने का तरीका आपको होना चाहिए, अगर आप पहुंचाओगे अपर क्लास ने इसको यूज करना चालू कर दिया तो वो तो 10-10 दिन में ये पैकेट खत्म कर देंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं देखते, उनको क्वालिटी चाहिए होता है। अपर क्लास जो हाई क्लास लोग है जो बहुत अच्छा क्वालिटी देखते हैं, इसको मीडियम क्लास और लोअर क्लास भी इसको यूज कर सकता है। इस तरीके से इस कॉफी को बनाया हुआ है और बेस्ट क्वालिटी कॉफी, आप प्लीज इसको महंगा बोल के इसकी वाट मत लगाइए। ओके, महंगा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठाइए, 3-in-1 कॉफी उठाइए, इसके अंदर डेरी नॉन डेरी क्रीमर डाला गया है, सोया मिल्क वगैरह मत बोलिए, नॉन डेरी क्रीमर ठीक है, अलग अलग क्रीमर का मिक्सचर है, नॉन डेरी क्रीमर आप एक वर्ड में बोलिए, नॉन डेरी क्रीमर इसके अंदर यूज किया गया है, प्लस कॉफी पाउडर है, प्लस इसमें शुगर डाला हुआ है, जनरल शुगर ओके, उस शुगर को इसमें डाला हुआ है ठीक है। दूध डाल के जिनको पीना है वो पी सकते हैं इसके अंदर ठीक है, इसमें डाल के नहीं, ऑलरेडी इसमें दूध का एक कलर इसमें आता है ओके। ये हो गया कॉफी ठीक है, कॉफी आपको बहुत फायदे, अलग आपके बॉडी का जो फायदा देखिए आप, एंटी स्ट्रेस, हाई पेनिट्रेटिंग पावर कॉफी के अंदर अपने आप में है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदने की क्षमता, जैसे कि आपके दो हाथ हैं, एक हाथ में आप हल्दी का पाउडर रखो, एक में मिर्ची का पाउडर रखो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कौन से हाथ में, मिर्ची वाले हाथ में जलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिर्ची के अंदर हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, मिर्ची के अंदर भेदने की क्षमता है, वो भेद के अंदर जाके माइंड को इंडिकेशन देता है कि भाई कुछ ऐसी चीजें जल रहा है, मेरे को नुकसान कर रहा है, इसको हटाओ ओके। हल्दी में वो पावर नहीं है, ऐसे ही कॉफी के अंदर हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, गैनोडर्मा में भी ऐसा, इसलिए हमारे जो अभी ब्यूटी किट आएगा, अभी है नहीं, वो ब्यूटी किट वगैरह जब हम यूज करते थे वो पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर, क्या करता है पेनिट्रेट करता है, हमारा साबुन वगैरह क्या करता है पेनिट्रेट करता है, गैनोडर्मा पेनिट्रेट करता है, अंदर जाता है। शैंपू वगैरह अगर थोड़ा लगा के रखेंगे तो क्या होगा, अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है और बॉडी को पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, स्किन में देता है ओके। तो यहां पे पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है कॉफी में, तो गैनोडर्मा आया था डबल पावर हो गया। साइकोसोमेटिक इफेक्ट इसमें देता है, साइकोसोमेटिक इफेक्ट मतलब बॉडी को
काम रखना, कूल रखने में मदद करता है। डायूरेटिक इफेक्ट, बॉडी का कई बार पानी का, वाटर का लॉस होता है, वो लॉस को ना होने से, वाटर लॉस ज्यादा होगा तो भी हमारा बॉडी वीक होता है, तो उसको लॉस ना आने से बचाता है। और फास्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, गैनोड्रोमा ये है, तो इसको 1+1=11 का फॉर्मूला बोलते हैं, एक पावरफुल प्रोडक्ट बन जाता है। कॉफी में इतना बेनिफिट है, कौन सी कॉफी, फर्स्ट क्वालिटी कॉफी, अच्छी क्वालिटी का कॉफी, उसमें ये पावर है, साथ में हम गैनोड्रोमा डाल के दे रहे हैं, तो डबल पावर ये लिंगजी कॉफी आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लिंगजी कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक को जब हम कंपेयर करते हैं, लिंगजी कॉफी एक अल्कलाइन ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक हमारा एसिडिक ड्रिंक है, फ्री रेडिकल्स नहीं है लिंगजी कॉफी। यहां पर फ्री रेडिकल्स क्या है, फ्री रेडिकल्स मतलब हमारे शरीर में जब हम लोग ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन से बोलेंगे, उसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट हम लोग यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आप बहुत सारे फूड आइटम में आजकल देखेंगे, या आजकल जब ऐड आते हैं कुछ हेल्थ ड्रिंक के, तो उसमें लिखा हुआ आता है एंटीऑक्सीडेंट इसमें है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स क्या है, जब भी हमारे बॉडी में जब हम कोई प्रोसेस चलता है, तो या श्वास हम लेते हैं, या ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन का भी प्रोसेस अगर हम बोले तो लेते हैं, तो उसके थ्रू एक वेस्ट बनता है, वेस्ट के साथ में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल सिंगल होते हैं, ये हमारे बॉडी में घूमता रहता है, इसको अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो हमारे सेल को क्या करेगा, एक शैतान बच्चे की तरह होता है, ये नुकसान करता है, इधर जाके नुकसान करेगा, उधर जाके नुकसान करेगा, तो इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, खत्म करना बहुत जरूरी है। ये कौन कर सकता है, ये वही कर सकता है जो एंटी ऑक्सीडेंट है, वो कर सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जो फ्री रेडिकल बने उसको खत्म करना, एंटी करना, मतलब खत्म करना, उसके विरुद्ध काम करना। तो एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड ज्यादा यूज करना चाहिए, और गैनोड्रोमा स्पायरना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फूड है। ओके, ये फ्री रेडिकल्स की वजह से ही कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स भी हमें ज्यादा क्रिएट होते हैं। लिंगजी कॉफी में वो फ्री रेडिकल्स नहीं है, तो यहां पर फ्री रेडिकल्स लिंगजी कॉफी में नहीं है, कैलोरीज कम है, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके बेनिफिट्स, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे फ्री रेडिकल को खत्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है कॉफी, एंटी स्ट्रेस है, एंटी एजिंग है, डिसॉल्विंग और बर्निंग इफेक्ट बॉडी को प्रोवाइड देता है। नेक्स्ट।